तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, लियो की डे 5 की रिपोर्ट ना आपको चौंका देगी, कान फाड़ के रख देगी, कान खड़े कर देगी। इतनी लंबी लिस्ट है, मतलब डे 5 में मुझे नहीं लग रहा है कि मेकर्स ने पहले दिन, दूसरे दिन या चौथे दिन को इतना ज़्यादा सेलिब्रेट किया होगा। डे 5 मंडे वर्किंग डे प्लस फ्लेक्सिबल हॉलीडे मिल रहा है, उसकी कलेक्शन इतनी भयंकर आ रही है जबरदस्त तरीके से। मतलब जो हेट फैलाई जा रही थी, जो हेटर्स के द्वारा लगातार ट्रेंड कराया जा रहा था, मूवी को ट्रॉल करा जा रहा था, बोला फेक कलेक्शन है, ये है वो है, कमाई नहीं करेगी, थालापति विजय बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। तो भाई साहब, इंडिया में ही नहीं ओवरसीज़ में इतनी भयंकर कमाई कर ली है इस मूवी ने। मैं कह रहा हूँ ना, बड़े बड़े जो सुपरस्टार हैं हॉलीवुड के सुपरस्टार, उनको टक्कर दे रहे हैं, ये जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। एक बहुत ही लिमिटेड रीजनल से आते हैं, साउथ इंडस्ट्री से आते हैं, और पूरे इंडिया में तो कब्जा है ही। लेकिन एक चीज़ का दुख है यार, अगर हिंदी बेल्ट में ये लोग अच्छी पकड़ बना लेते तो हिंदी बेल्ट से कितनी सॉलिड इनकम हो जाती है, और ये मूवी अभी तक कितना ज़्यादा कलेक्शन कर चुकी होती। भाई साहब 500 करोड़ टच हो जाते। मैं आपको बताऊंगा, आज कल पूरे दिन यानी पांचवें दिन में, कल मंडे वर्किंग डे में और फ्लेक्सिबल हॉलीडे में, दशहरा का हॉलीडे चल रहा है, क्या धूम मचाया है इस मूवी ने। जबकि साथ में कंपटीशन चल रहा है, साउथ में रवि तेजा की फिल्म टाइगर नागेश्वर राव चल रही है, भगवंत केसरी चल रही है, हम यहाँ पर हिंदी बेल्ट में, नॉर्थ बेल्ट में यहाँ यारियाँ 2 चल रही है, गणपत चल रही है, जवान मूवी चल रही है, मिशन रानीगंज चल रही है। तो इतना कॉम्पिटिशन है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी जो ग्लोरी है, जो उसकी जो लेगेसी है, सॉलिड लेगेसी। थालापति विजय यार ऑसम मैन, ये बंदा फाड़ के कमाई कर रहा है, जबरदस्त तरीके से कमाई कर रहा है। तो कल मैं पहले का बताऊंगा तमिल से कितनी कमाई करी, 31 करोड़ 10 लाख। मंडे वर्किंग डे की बात चल रही है, ये 31 करोड़ 10 लाख। जबकि ऐसे कलेक्शन तमिल से देखने को मिल रहे थे संडे में, सैटरडे में 30 करोड़ 32 करोड़ ऐसे देखने को मिल रहे थे। मंडे वर्किंग डे में इतना कौन करता है भाई? आपको प्रॉपर हॉलीडे नहीं मिला है इस टाइम पर, प्रॉपर हॉलीडे है ही नहीं। सिर्फ हॉलीडे स्कूल के बच्चों के लिए होता है दशहरा का, बाकी प्राइवेट सेक्टर में इतना ज़्यादा हॉलीडे इसको माना नहीं जाता है। उसके बावजूद इतनी अच्छी कलेक्शन, तो भाई साहब थालापति विजय के लिए जो प्यार उमड़ उमड़ के निकल रहा है लोगों का, वो साफ नज़र आ रहा है। तो जो हेटर्स हैं ना, उसके मुंह में सिर्फ तमाचा नहीं, भिगो भिगो के जूते मारे जा रहे हैं उनके मुंह में। तो ये चीज़ बड़ी प्यारी लग रही, क्योंकि थालापति विजय है यार, ये ऑसम मैन। तेलुगु से आया है कल 2.55 करोड़, इट मीन्स ये कि 2 करोड़ 55 लाख, हिंदी से आया 1 करोड़ 85 लाख, कन्नड़ा से 20 लाख। टोटल नेट इंडियन कलेक्शन कल पूरे दिन कितना रहा? 35 करोड़ 70 लाख। ह्यूज इनकम, ह्यूज इनकम। इतना कंपटीशन है, वर्किंग डे है, बावजूद उसके नेट इंडिया से 35 करोड़ 70 लाख, ग्रॉस कलेक्शन 42 करोड़, ओवरसीज से 10 करोड़। टोटल पूरी दुनिया से ये मूवी का लैंड ऑफ द डे तक कमाया है कितना? 52 करोड़ की इनकम यहाँ नहीं होती है भाई साहब, 52 करोड़ बहुत बड़ी इनकम होती है। जवान मूवी मैं कह रहा हूँ, आई थिंक 6th, 7th या 8th डे के आसपास उसकी इनकम ये आ चुकी थी, बिल्कुल बीट कर रही है और सॉलिड बीट कर रही है। अगर हिंदी बेल्ट में इसकी पकड़ और हो जाती, इसी चीज़ का अफसोस है कि हिंदी बेल्ट में इसकी पकड़ बन जाती, मेकर्स ना थोड़ा सा अपना ईगो साइड रखकर हिंदी बेल्ट से थोड़ा सा हाथ मिला लेते, सांठ गांठ बैठा लेते, तो ये मूवी इतनी सॉलिड कमाई करके ले जाती। ऑसम। कर्नाटका से पहले 4 दिन में ये मूवी 32 करोड़ कमा चुकी है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 33 करोड़ कमा चुकी है पहले 5 दिन में, तमिलनाडु से 133 करोड़ कमा चुकी है, तमिलनाडु से ह्यूज रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, ह्यूज। केरला से 40 करोड़, इंडियन हिस्ट्री में केरला से कोई मूवी इतनी कलेक्शन कर ही नहीं पाई। साउथ की मूवी की बात कर रहा हूँ, बॉलीवुड और हिंदी मूवी तो वैसे भी साउथ में फुटेज नहीं मिलता है, लेकिन साउथ बेल्ट की मूवीज ही केरला में इतना ज़्यादा कलेक्शन नहीं कर पाती, तमिल लैंग्वेज की, खासकर तमिल इंडस्ट्री की मूवी। तो भाई साहब 40 करोड़ सिर्फ 5 दिन में ही केरला से ला पाना बड़ा मुश्किल टास्क होता है, और इसने अपने नाम किया है और आने वाले मूवीज के लिए एक अनबीटेबल रिकॉर्ड सेट कर दिया है। रेस्ट ऑफ द इंडिया से 16 करोड़ आया है, टोटल ग्रॉस इंडियन कलेक्शन इस मूवी का होता है ऑल स्टेट्स ऑल लैंग्वेज को मिलाकर 255 करोड़ का। भाई साहब ह्यूज कलेक्शन है, पहले 5 दिन में तमिल से हो चुका है। लैंग्वेज वाइज अगर इसकी बात करें तो लैंग्वेज वाइज में कितना कलेक्शन मूवी कर चुकी है, पहले 5 दिन में लैंग्वेज वाइज में 177 करोड़ तमिल से आ चुका है इसका। ह्यूज इनकम, क्योंकि तमिल ओरिजिनल लैंग्वेज और इतनी बड़ी इनकम सिर्फ इस लैंग्वेज से आना बनता है, बिल्कुल बनता है। जैसे जवान मूवी का हिंदी से कलेक्शन बनता था, वैसे तमिल से लियो मूवी का कलेक्शन बनता है। तेलुगु से 28 करोड़ आ चुका है, तेलुगु से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ तेलुगु बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है एक बार के लिए देखें तो। कन्नड़ा से बहुत कम रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, कन्नड़ा वालों को आई डोंट नो क्या है क्या नहीं है, साउथ इंडस्ट्री की फिल्म है और कन्नड़ा लैंग्वेज यार कभी ऐसा लगता नहीं है, ऐसा देखा नहीं, लेकिन कन्नड़ा से बहुत कम रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। 75 लाख का कलेक्शन आया है, हिंदी से 11 करोड़ 20 लाख,
हिंदी से कॉन्स्टेंटली चल रही है ये मूवी और सॉलिड चल रही है, जबकि गणपत चल रही है यार, यहाँ टू चल रही है, उसके बावजूद भी बहुत कम प्रमोशन किया, सिंगल स्क्रीन पे चल रही हो, लेकिन उसके बाद भी कॉन्स्टेंटली अच्छी खासी इनकम देखने को मिली है। ओपनिंग 2 करोड़ से करी थी, 2 करोड़ 2.5 करोड़, और यही इनकम चल रही है। कल भी 1.85 करोड़ के आसपास हिंदी से आया है, तो फिर भी हिंदी से अच्छा खासा कलेक्शन ये मूवी कर ले रही है पहले 5 दिन में। तो टोटल नेट इंडियन कलेक्शन ये पहले 5 दिन में कितना कर चुकी है कल एंड ऑफ द डे तक, 217 करोड़। ह्यूज इनकम, फास्टेस्ट नेट इंडियन कलेक्शन के मामले में ये मूवी ने, तमिल इंडस्ट्री की इस मूवी ने अपना नाम सेट कर लिया है, ब्लॉकबस्टर हिट की लिस्ट पर अपना नाम सेट कर लिया है। क्रॉस कलेक्शन हो चुका था 255 करोड़। ओवरसीज से भाई साहब बाहर की दुनिया से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, 160 करोड़ पहले 5 दिन में हो चुका है। पूरी दुनिया से 415 करोड़ का मार्वलस एंड ह्यूज इनकम ये अपने खाते में रख चुकी है। पहले 5 ही दिन में 400 करोड़ के क्लब में एंट्री मारना मामूली बात नहीं होती है, बिल्कुल मामूली बात नहीं होती है। आई थिंक ब्रह्मास्त्र का मुझे लग रहा है कि लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को बीट डाउन कर दिया है इस मूवी ने, और नहीं किया है तो आज 6th डे की जो इनकम चल रही है, आज भी दशहरा का हॉलीडे चल रहा है, आज जो चल रही है आज बीट डाउन कर देगी, है ना। तो बॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवी को इसने खदेड़ दिया, भोला जो अजय देवगन की रिलीज हुई थी मूवी उसको बीट डाउन कर दिया है, चेन्नई एक्सप्रेस को आज ये मूवी बीट डाउन कर देगी, तो बड़ी बड़ी मूवीज को बीट डाउन कर रही है। उसके बाद अगर हम देखें ओवरसीज़ की बात करें, तो ओवरसीज़ में अभी तक कहां कहां से कितना कितना कलेक्शन आ चुका है, UAE प्लस गल्फ़ कंट्रीज़ को मिलाकर 48 करोड़ पहले 5 दिन में आ चुका है। नॉर्थ अमेरिका से 38 करोड़, मलेशिया से 18 करोड़, UK यूनाइटेड किंगडम प्लस आयरलैंड से को मिलाकर 13 करोड़ आ चुका है, सिंगापुर से 10 करोड़ 50 लाख, ऑस्ट्रेलिया से 7 करोड़, न्यूजीलैंड से 95 लाख का कलेक्शन आ चुका है। कन्नड़ा से ज़्यादा न्यूजीलैंड में भाव मिल रहा है इस मूवी को, वही मैं कह रहा हूँ कि साउथ इंडस्ट्री की मूवी ऐसे नहीं पिटती है, और कन्नड़ा लैंग्वेज आई डोंट नो ये इतना पार्शियलिटी क्यों दिखा रहे हैं। रेस्ट ऑफ द कंट्री से ये मूवी 22 करोड़ कमा चुकी है, और टोटल ओवरसीज से 160 करोड़ पहले 5 दिन में कल एंड ऑफ द डे तक इस मूवी ने अपने खाते में रख लिया था। आज है ट्यूसडे, आज है मंगलवार, और मंगलवार के दिन भी धमाका काट रही है ये मूवी, तो भाई साहब अब तो ये देखकर लग रहा है कि ये मूवी 600 करोड़ 700 करोड़ से भी ऊपर जाने वाली है इसकी लाइफ टाइम कलेक्शन। वही चीज़ अगर हिंदी से, मैं फिर बोल रहा हूँ इसी चीज़ का अफसोस है, हिंदी से अगर ये मूवी अच्छा प्रमोशन कर लेते तो भाई साहब 1000 करोड़ इसके इजी टू इजी, मतलब कोई कन्फ्यूजन वाले नहीं होते, कर जाएगी 1000 करोड़, नो डाउट कर जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा सा डेंजर जोन में है। लेकिन हाँ, 700 करोड़ से ऊपर जाएगा जाएगा। आपकी क्या राय है कि ये मूवी कितना लाइफ टाइम कलेक्शन कर जाएगी, जो भी आप कह रहे हैं नीचे कमेंट से जरूर बता। कितना मिलता है अगली वीडियो में, जय हिंद।